पुलिस मुठभेड़ में थाना क्षेत्र खोराबार में लूट चोरी हत्या करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 315 बोर का एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों की काफी बड़ा आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि खोराबार पुलिस और स्वैट की टीम लहसड़ी बंधा खैरा मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध दिख रहे दो व्यक्तियों को रोककर पूछताछ का प्रयास किया तो एक अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस टीम अपने को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की और दोनों को थोड़ी दूर पर दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान शनि सोनकर तथा चंदन निषाद के रूप में हुई। शनि सोनकर खोराबार थाना क्षेत्र के टीपी नगर तथा चंदन निषाद राजगढ़ थाना क्षेत्र के चकला अवोलपुल का रहने वाला है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। ये जनपद की स्वाट टीम के प्रभारी और प्रभारी थाना खोराबार द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ में हत्या के दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों हत्या के वांछित अभियुक्त जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज से वांछित थे और लगभग एक वर्ष से फरार चल रहे थे। आज जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में उनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, वहाँ की पुलिस से पूछताछ में यह तथ्य अभी तक प्रकाश में आया कि उनकी नाम घोषित नहीं थी।